जो एससी एसटी में आते हैं, इझवा जनजाति। अब एक मंदिर था, मंदिर था, मंदिर के सामने क्या थी, सड़क थी। तो इझवा जनजाति के लोगों को, यहाँ के लोग जो ऊंचे जात वाले थे, वो कहते थे कि तुम इस सामने से नहीं जा सकते, यहां से तुम प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा रास्ता बहुत लंबा दूरी तय करके था, 5-6 किलोमीटर। अब अगर किसी का घर यहाँ है और उसको यहाँ जाना है तो वो मंदिर के रास्ते से नहीं जा सकता है, लौट के जाएगा पूरा गांव हेल के बाहर बाहर यहाँ पर, अब फिर आना है तो इस तरह से हेल के। बताइए ये गलत बात था कि नहीं? अरे यार, वो छोटा जात बड़ा जात क्या होता है? छोटा जात वाला तो बड़ा जात वाले को छू लेता है तो कहते हैं अशुद्ध हो गया, ज्यादा वोल्टेज छोटके में है, है कि नहीं है? आप बताइए, छोटा जात वाला बड़े जात को छूता है तो क्या कहते हैं, हम अशुद्ध हो गए। तो तुम्हारे में वोल्टेज है तो तुम बड़ा जात वाला छोटा को छू के शुद्ध करके दिखाओ, नहीं समझे? ज्यादा वोल्टेज किसमें? लेकिन बात हम क्या बताते हैं, छोटे जात को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकता था। हमरा से पूछे कोई, हम कहते हम ट्रांसफार्मर, तुम बैटरी टच करा के दिखाओ, भड़का देंगे तुमको यहाँ पर, फिर तुमको शुद्ध अशुद्ध हो जाओगे तुम यहाँ पर। तो ये लोग बहुत गलत की, ये गलत बात है यार, आज के वक्त में तो एटलीस्ट ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्या छोटा बड़ा जात करते हो, मतलब क्या ही बताया जाए इनको। खुद हिंदू धर्म के शास्त्र को पढ़ी, आपको पढ़ाए, ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, उन लोगों ने अपनी फायदा के लिए जाति के आधार पर कर दिया, वंश के आधार पर किया, किया कि नहीं किया? हम ये बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऋग्वेद में लिखा है, हम कौन होते हैं भैया बताने वाले कि जाति के आधार पर होगा कि नहीं। ऋग्वेद हम लिख ले हैं, जाके पढ़िए ऋग्वेद में, वहाँ एक ही परिवार में चार जाति के लोग रहते थे, प्रारंभिक वही है ना, बाद में ना संशोधन कर दिया गया। तो गलत था। यहाँ पर केरल में बहुत अत्याचार हुआ, यहाँ पे केरल का त्रावणकोर का एक राजा था, यहाँ पर इसने दलित महिलाओं को मूला कर्म लगाता था, टैक्स था मूला कर्म, मूला कर्म एक टैक्स था जिसमें दलित लड़कियों और महिलाओं को अपना स्तन नहीं ढकना था, खुला रखना था, अगर वो स्तन ढकती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा ऊंचे जात वालों को, क्योंकि ऊंचे जात वाले को नीचे जात वालों से अलग करने के लिए ये तरीका लाया गया। अब ये बताइए, ये कितना नीच समाज की ये मानसिकता हो सकती है? ये आप कह सकते हैं कि जिस भारत में नारियों की पूजा होती है, भारत में ये मूला कर्म स्तन ढकने के लिए, और वो भी इस नाते कि तुम दलित हो, कितना गलत है। और इसको देखिए, इस पे कोई बहुत बड़ा बवाल आज तक हुआ है नहीं, लेकिन एक मूवी अगर आ जाएगी पद्मावती, या एक बाजीराव मस्तानी, एक कोई मूवी आ जाएगी, या कोई किसी किसी कंपनी का प्रचार आ जाएगा, अभी एक किसी कंपनी का कोई प्रचार आया था दीपावली, उसके लिए बवाल हो गया, कभी इसके लिए बवाल हुआ है नहीं, होगा भी नहीं। रीजन क्या है, दलित लोग उतना पढ़ने ही नहीं दिया इन लोग, आगे भी नहीं दे रहे। दलित के कुछ नेता भी आए तो अपने परिवार को लगाने में आगे बढ़ गए, वो पढ़े लिखे नहीं। यहाँ एक मूवी के लिए बवाल हो सकता है, जिस हम पर्सनली हम बताते ना, बवाल की वजह से हम बाजीराव मस्तानी मूवी देखे, हमें ऐसा नहीं लगा कि उसमें क्या था, भले काटने के बाद वो था कि क्या था हमको ही नहीं पता, लेकिन ऐसा उसमें मूवी में कुछ गलत दिखाया गया है। उसमें तो और बहादुरी दिखाया गया कि महिलाओं ने कि देखो भाई मरने के बाद भी हमने क्या किया है, जौहर, जो गलत था। अलाउद्दीन खिलजी, इससे नुकसान किसको था, इससे अलाउद्दीन खिलजी का वह चेहरा जो सबको नहीं पता था वो भी देख लिया लोगों, लेकिन उसके लिए विरोध हो सकता है, लेकिन इतना गलत चीज के लिए कभी आपने विरोध देखा है? कभी नहीं। आप तो ये उन लोग को आज तक दबाया जाके रखा है, इतना गलत चीज वहां पे मूला कर्म लिया गया, ये एकदम सरासर गलत। और वहां पे जब टैक्स देने गया तो महिला जो थी ना, इस मूला कर्म को हटाने के लिए अपने स्तन को चाकू से काट दी और मर गई सब महिलाएं वहां पर। अब यह केरल ऐसा राज था जिसमें पुरुष सती होते थे, जब उनकी पत्नी अपना स्तन काट देती थी, ब्लड गिरने की वजह से मर जाते थे, तो चिता में पुरुष जाके मर जाता था कि हम ऊंचे जात वालों से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना शरीर हम भी त्याग देते थे। पुरुष भी सती हुआ है इस देश में, ये ऊंच और नीच जात वाले यहाँ पे, लेकिन इसे और यही अगर ये कांड किसी ऊंचे जात वाले के लिए कोई दिल्ली सल्तनत का राजा किया रहता, आज न्यूज चैनल पे बैठ के बवाल हुआ रहता, लेकिन दलित है ना भाई साहब, कोई आवाज नहीं उठाता। इसलिए आप एजुकेशन रहिए, आप ऊंचे जात के हैं या नीचे जात के हैं, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे ना तो लोग कचल के चले जाएंगे, और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना है।
वरना आपको लोग कुचल के चले जाएंगे। अंग्रेज तो छोड़िए, ये भारतीयों ने ये सब कुकर्म किया है। आप जलियांवाला बाग और इसमें देखेंगे तो ज्यादा खून खोलेगा आपको मूला कर्म में जो भारतीयों ने किया यहाँ पे। और दिल को तकलीफ तो अपने पहुंचाते हैं, गैरों को पता क्या है कि दिल दुखता किससे। ये देश के लिए आपको शर्म आएगी, हमारी संस्कृति पे जहां हमें नाज होता है, ये हमारी संस्कृति में दाग है, दाग धब्बा है। जिस तरह चांद में भी दाग है ना, हमारी अपनी संस्कृति पे इस दाग को कभी भूल नहीं सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये कैसा देश था जहां मूला कर्म लिया जाता है। लेकिन आज भी बहुत हल्के में इसे ले लिया जाता है, हल्के में ले जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दलित के साथ, समझा गया कि नहीं? बहुत ऐसा होता है, कितना आदमी बताएगा, ज्यादा हम भी बोलेंगे तो सोचा हमारा कहेगा सोचो दलित का फेवर कर, हम पूंजी फेवर कर, नहीं हुआ रहा था नहीं बोलते। इजवा जनजाति वालों ने विरोध किया और इजवा जनजाति वालों ने क्या किया, इसको हटाया और मंदिर के सामने से वो क्या होने लगे जादे। नहीं, भगवान ने कब कह दिया कि तुम हमको मतलब नहीं। राम जी सबरी के जूठे बेर खाए थे, तू राम जी से बड़ा हो गया है? राम जी के पैर के धूल के बराबर है आज के वक्त में, चाहे कितनो बड़ा प्रकांड विद्वान। सबरी के जूठा बेर खाए थे कि नहीं? जूठा बेर यहाँ, और आज लोग कहते हैं कि छू देंगे तो अशुद्ध। अरे भगवान जूठा बेर खाए देख ले भैया, अब इससे बड़ा साक्ष क्या चाहिए? लेकिन नहीं, हम श्रेष्ठ रहेंगे, दूसरे को दबा के रखें। ये सोच बहुत गलत है समाज, और ये धीरे धीरे सही होगा, और इसको आप डायरेक्ट नहीं सही कर सकते। अभी समाज में ऐसे लोग हैं ना जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है ऊंच जात हम श्रेष्ठ हैं, ये नहीं। ये समाज के लोग धीरे 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 डिकम्पोज हो जाएंगे बूढ़ा होके। समाज नई जनरेशन आ रही है ना, ये जनरेशन सही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो ये बात को मतलब ले। लेकिन आज आप लोग युवाओं में, आप देखिए आप लोग में ऐसी सोच नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आप अपने घर में देखिएगा, अपने दादा पर दादा दादा उन लोग में अभी भी ये सोच। हमारे यहाँ पे हमारी दादी भी थी तो नौटंकी करती, हम खटिया पे बैठी थे उनके, हमारी दादी से नहीं जमता था, बहुत कोई नौकर वोकर आते थे तो ना काम करने के लिए, उसके लिए अलग गिलास रखी थी, उसके लिए शीशा का अलग रहता था। उनके ये कौन सा तरीका आपका भाई, आप भी पीने के बाद धुल देंगे, वो भी धुला जाएगा, सब साफ हो जाएगा, इसमें कौन सा बात है? लेकिन ना मर गई लो, खत्म कहानी। मेरी सच बता, हम तो सोचते हैं ना कोई मरे तो हम उससे उठा के एक बार पूछे कि आपको ऊंचे जात वाले शमशान में फूके कि नीचे जात वाला, और जो आपको आग लगाएगा ना वो किस जाति का हो, हरिजन होगा, और जब तक वो मुखाग्नि ना देगा, आग ना देगा, आपका क्रिया कर्म ना होगा। ये बताइए पावरफुल कौन, समझा कि नहीं? छोड़ो ये सब बात को, लेकिन क्या कहिएगा, आप शिक्षित रहिए, आपसे आदमी उम्मीद रखता है कि आप समाज में ये भेदभाव को खत्म कीजिए, क्योंकि आप जिस जाति में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे जाति में पैदा हो सकते, तो आपकी ये कोई योग्यता नहीं जिसे आपने अर्जित किया है। ये भाग भरोसे है कि आप ऊंचे जात में है तो कोई नीचे जात में।